हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट के एनटीए अभ्यास ऐप के एमसीक्यूज। तो इस चैप्टर के अंदर जो टोटल 30 एमसीक्यूज है, आप इस वीडियो के लास्ट में आप हमें बताने कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन जो वो करेक्ट होते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एनटीए ही आपका नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है और एनटीए की ऑफिशियल ऐप के ये क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे हमने इससे पहले वाले सभी चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इज करेक्टली कैटेगराइज्ड, यानी जो बिल्कुल करेक्टली कैटेगराइज्ड किया गया वो बताना कि कौन सा है। फर्स्ट है कैल्सिटोनिन एंड थाइमोसिन थायरॉइड हॉर्मोन, सेकेंड है पेप्सिन एंड प्रोलैक्टिन जो है टू डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटेड इन स्टोमक, सी है ट्रोपोनिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन द स्ट्रिएटेड मसल, एंड ऑप्शन डी है सीक्रेटिन एंड रोडोप्सिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो हमें करेक्टली बताना है। सबसे पहले कैल्सिटोनिन, थाइमोसिन थायरॉइड, थाइमोसिन जो वो थाइमस से रिलीज होता है नॉट अ थायरॉइड, प्रोलैक्टिन जो वो एंजाइम नहीं, वो एक हार्मोन है जो कि आपका पाइट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ये गलत हो गया। ट्रोपोनिन एंड मायोसिन जो वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि आपकी स्ट्रिएटेड मसल्स के अंदर मिलती है, ये बिल्कुल सही है। सीक्रेटिन रोडोप्सिन जो है वो एक आपका हार्मोन नहीं है, ये एक आपका फोटो रिसेप्टर सेल जो आपको फोटो रिसेप्टर है, ओके, नॉट ए हार्मोन। तो ये भी गलत हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया विच डिजीज इज कैटेगराइज बाय इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, तो कौन सी डिजीज जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकते हैं जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से, अर्थराइटिस, गाउट, टेटनी या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये डिजीज कौन सी है प्योर एनसीईआरटी बेस्ड? गाउट। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द पेक्टोरियल गिर्डल, तो यहाँ हमें बताना कि पेक्टोरल जो गिर्डल है उसका कौन सा पार्ट है, ग्लिनोइड कैविटी, स्टर्नम, इलियम या फिर एसिटेबुलम। तो इलियम और एसिटेबुलम जो वो पेल्विक गिर्डल के पार्ट है, नॉट ए पार्ट ऑफ पेक्टोरल। स्टर्नम जो आता है वो आपका रिब्स के अंदर आ जाता है, और जो ग्लिनोइड कैविटी है वो पार्ट है आपका किसका, पेक्टोरल ग्रिड का, जहाँ पे ह्यूमरस का हेड जो होता है वो आप इसके पेक्टोरल ग्रिड के जो आप अटैच होता है ग्लिनोइड कैविटी के अंदर। तो ये जो पार्ट है वो पेक्टोरल ग्रिड का है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड ईच विद वन और टू ब्लैंक्स, यहाँ पर हमें टोटल जो वो 3 स्टेटमेंट दी गई है और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं ए बी सी एंड डी, तो हमें बताना कि ये ए बी सी डी के अंदर क्या आएगा। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट हमें बोला गया रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डैश ड्यू टू द एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम कॉजिंग फटीग, तो यानी किसका एक्यूमुलेशन की वजह से जो एनएरोबिक ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजन का और वहाँ पे फटीग हो सकती है। यहाँ पे दिया गया ग्लूकोज की वजह से या फिर पाइरुविक एसिड की वजह से या फिर लैक्टिक एसिड की वजह से, और यहाँ पे बी में हमें ए में यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया। सेकंड देख लेते हैं, यहाँ पे बोला गया था ग्लोबुलर हेड ऑफ मेरोमाइसिन इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर डैश एंड एक्टिव साइट फॉर डैश, तो यहाँ पे बताया कि यहाँ पे बाइंडिंग साइट बतानी है और एक्टिव साइट बतानी है जो मेरोमाइसिन हेड होता है ग्लोबुलर हेड का वहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे बी के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे हमें बताना कि क्या ट्रोपोनिन आएगा या फिर हमारे पास एटीपी आएगा बी के अंदर। सी की बात करें अगर एक्टिव साइट, तो एक्टिव साइट मायोसिन है या आपकी, तो हमें ये चीज़ें बतानी है। नेक्स्ट डी देख लेते हैं, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड, तो हम जो जहाँ पर थिन जो आपके फिलामेंट होते हैं वो थिक फिलामेंट को ओवरलैप नहीं करते हैं, तो उस बैंड को क्या बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं या फिर एच जोन बोलते हैं या फिर आई बैंड बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे जो रिपीटेड एक्टिवेशन होता है मसल्स के अंदर उसकी वजह से किस चीज़ का एक्यूमुलेशन होता है, उसकी वजह से होता है लैक्टिक एसिड का, किसका होता है लैक्टिक एसिड का, ना पाइरुविक एसिड ना ही ग्लूकोज, तो ए और बी ऑप्शन तुम्हारे यहीं से चले गए। द ग्लोबुलर हेड ऑफ मेरोमाइसिन इज एक्टिव एटीपेज एंजाइम एंड बाइंडिंग साइट फॉर, बाइंडिंग साइट कौन सी होती है, बाइंडिंग साइट होती है बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी, यहाँ पे एटीपी बाइंड करेंगे। एक्टिव साइट फॉर, एक्टिव किसके लिए, एक्टिन के लिए है, नॉट ए ट्रोपोनिन के लिए, ये हमारा गलत हो गया, सॉरी ये हमारा मायोसिन के लिए नहीं है, एक्टिन के लिए, सी हमारा मायोसिन के लिए नहीं है, किसके लिए, एक्टिन के लिए है। और द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन उसको क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं उसको, तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बायोलॉजी में सभी चैप्टर के इस टाइप के नोट्स चाहिए जहाँ पे ये मेंशन किया हो कि किस लाइन से किस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, जैसे साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर अलग अलग जॉइंट होते हैं वहाँ पे AIPMT 2009, नी 2013, 14, 17, यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस AIPMT 2012 में, यहाँ पे 12 में, 19 में, यहाँ से 13 में, यहाँ से 12, 13, 16 में, यहाँ से 12 और 13 में,
तो इस टाइप के अगर आपको नोट्स चाहिए सभी चैप्टर क्लास 11, 12 बायोलॉजी केमिस्ट्री तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैचिंग ऑफ थ्री आइटम एंड देयर ग्रुपिंग कैटेगरी, यानी यहाँ पे जो हमें बताया गया और जो ग्रुप बताया गया क्या उसमें बिल्कुल सेम कौन सा है। पहले बोले इस इलियम इश्कियम प्यूबिस में ये बोला गया कि कोक्सल बोन ऑफ पेल्विक गिडल। सेकंड में बोला गया कि एक्टिन मायोसिन रोडोप्सिन जो वो मसल्स प्रोटीन है। सी बोला गया कि सिस्टोसिन यूरेसिल और थायमिन जो वो पायरिमिडिन है। डी में बोला गया कि आपका मेलस इनकस और कोकलिया जो वो ई रोसिकल है। मेलस इनकस स्टेपस होता है नोटा कोकलिया। सिस्टोसिन यूरेसिल थायमिन THYMI नोटा थायामाइन ये नहीं पिरामिड होता है ये जो गलत लिखा है। एक्टिन एंड मायोसिन जो होती है वो मसल प्रोटीन होती है बट रोडोप्सिन अभी बताता है कि ये तो आपका फोटो रिसेप्टर होता है तो ये गलत हो गया। इलियम इस्कम प्यूबिस जो वो कॉक्सल बोन है पेल्विक रेडल का ये बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है एटीपेज एंजाइम नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन इज लोकेटेड इन, अभी करके आए थे हम जो एटीपेज एंजाइम है वो मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए वो कहाँ पे लोकेटेड होता है एक्टिन में ट्रोपोनिन में मायोसिन पे या फिर एक्टिन पे, तो किसके हेड पे होता है वो मायोसिन पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया वट विल हैपन इफ लीगामेंट आर कट और ब्रोकन, अगर लीगामेंट कट या फिर ब्रोक हो जाए तो क्या होगा। बोन्स विल मूव फ्रीली एट जॉइंट, नो मूवमेंट एट जॉइंट, बोन विल बिकम अनफिक्स्ड या फिर बोन विल बिकम फिक्स्ड, तो होगा क्या। सिंपल से समझिए लीगामेंट क्या करते हैं, लीगामेंट बोन टू बोन जो है वो अटैच करवाते हैं, अगर बोन टू बोन अटैच नहीं होगा तो बोन्स क्या हो जाएगी अनफिक्स्ड हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है कि द जॉइंट ऑफ द फीमर विद द पेल्विक गिडल, जो फीमर बोन है जो आपकी थाई की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है उसका जो पेल्विक गिडल के साथ में कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट है, नॉन मूवेबल जॉइंट है या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो वो जो जॉइंट है वो उसको क्या बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, मायोग्लोबिन किस में मिलता है, ओल मसल फाइबर में, माइट मसल फाइबर में, रेड मसल फाइबर में या फिर नन ऑफ दीज, तो ये सभी मसल्स फाइबर में मिलता है, वो क्वांटिटी डिपेंड करती है कि इसमें ज़्यादा है और किसमें कम है बट मिलता सभी में, तो ऑल मसल्स फाइबर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया इन मेन रिब्स आर अटैच टू, जो मेन के अंदर जो रिब्स होती है वो किससे अटैच होती है, क्लेविकल से, इलियम से, स्टर्नम से या फिर स्केपुला से, तो फर्स्ट 7 जो पेयर होते हैं वो किससे अटैच होती हैं, स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन, तो कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी अगर मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाना है, तो एक्टिन, एटीपी, मायोसिन या फिर एक्टो मायोसिन, तो यहाँ पर एटीपी जो होता है वही तो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ द करेंसी, तो वही होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था 8th, 9th and 10th रिब्स, जो 8th, 9th and 12th पेयर ऑफ रिब्स होते हैं आर नोन एज फॉल्स रिब, इनको फॉल्स रिब बोला जाता है, क्यों, बिकॉज देयर एक्सटर्नल पोर्शन आर अटैच टू, उनका जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है वो किससे अटैच होता है, सीपीस्टम से, सीपीस्टर्नम से या फिर कोस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th रिब से, दे हैव नो कोस्टल कार्टिलेज या फिर देयर आर नो ट्रू रिब्स, अब कोई बोलेंगे ये नो ट्रू रिब्स, अब हमसे ये पूछा कि अटैच किससे होती है 8, 9, 10, तो वो कोस्टल कार्टिलेज जो 7th की होती है उससे अटैच होती है, इसीलिए उनको फॉल्स रिब बोला जाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया था प्रोटीन हुज रिमूवल अनेबल्स मायोसिन टू बाइंड एक्टिन इन द स्मूथ मसल, तो वो कौन सा प्रोटीन है जो रिमूव करता है मायोसिन और एक्टिन को, ट्रोपोमायोसिन, कैडल्समन, मायोसिन लाइट चेन काइनेज या फिर कैल्डोमलिन, तो कौन सा प्रोटीन है, ये आपका ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा एक फंक्शन नहीं है ये बताना है हमें, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड सपोर्ट द हेड, सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड मस्कुलरेशन ऑफ द बैक या फिर सपोर्ट टार्सल एंड मेटाटार्सल या फिर बोथ बी एंड सी, तो कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल सही है, हेड को भी सपोर्ट करती है, सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स, रिब्स के अटैचमेंट के लिए भी पॉइंट प्रोवाइड करती है, बिल्कुल सही है, जो मसल्स होती है बैक में उनके लिए भी बिल्कुल सही है, सपोर्ट टार्सल एंड मेटाटार्सल ये तो हाइंड लिम्स के आपके बोन्स आ जाते हैं, तो इनको कहीं से कहीं तक कोई सपोर्ट नहीं करती, ये हाइंड लिम्स को कोई सपोर्ट नहीं करती, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया व्हाट इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, देर आर 5 वर्टिब्रेटा इन द नेक, ब्रेन बॉक्स इज मेड अप ऑफ द 4 बोन, देर आर 15 पेयर ऑफ रिब और देर आर 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, देर आर 5 वर्टिब्रेटा, 7 होती है सर्वाइकल वर्टिब्रेट बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स 8 बोन से बनता है 4 से नहीं,
देर आर 12 पेयर्स है, 15 नहीं, देर आर 12 थोरेसिक वर्टिब्रेट, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ बोन इन ईयर ओसिकल, ईयर ओसिकल में राइट सीक्वेंस बताना है कि कौन सा सीक्वेंस होगा ऑफ ए मेमेलियन स्टार्टिंग फ्रॉम द टिम्पेनिक इनवर्ड। तो जो हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है वहां से स्टार्ट करते हुए बताना है कि वो जो थ्री बोन्स होती हैं उनका क्या होता है, मेलस इनकस स्टेपस, मेलस स्टेपस इनकस, इनकस मेलस स्टेपस, या फिर स्टेपस इनकस मेलस। तो सबसे पहले आती है मेलस, देन आता है आपका सेकंड इनकस, देन थर्ड आता है आपका स्टेपस जो कि सबसे स्मॉलेस्ट स्टेपस, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया द स्मॉलेस्ट बोन इन रैबिट और मैन स्केलेटन इज, तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन बतानी है रैबिट या फिर मैन स्केलेटन के अंदर, नेजल, स्टेपस, पटेला या फिर पैलेटाइन। तो अभी अभी बताया गया है सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो स्टेपस होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में बोला गया इन मैन द थोरेसिक बास्केट इज कंपोज्ड ऑफ, जो थोरेसिक बास्केट होती है वो किस किस से मिलकर बनती है, रिब्स एंड थोरेसिक वर्टिब्रेटा से, रिब्स एंड स्टर्नम से, रिब्स स्टर्नम एंड वर्टिब्रेटा से, या फिर रिब्स स्टर्नम एंड थोरेसिक वर्टिब्रेटा से। तो ये बनती है रिब्स से, स्टर्नम से, और जो थोरेसिक वर्टिब्रेटा होता है इन सबको मिलाकर बनता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है 18 का वो बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया रिब्स अटैच टू द स्टर्नम आर, जो कौन सी रिब्स जो होती है वो स्टर्नम से अटैच होती है, फर्स्ट 7 पेयर, ऑल 10 रिब्स, फर्स्ट 10 रिब पेयर, या फिर फर्स्ट 5 रिब पेयर। तो फर्स्ट जो 7 पेयर्स होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं, 8 9 10 जो होती है वो 7th के साथ होती है, और 11 12 जो होती है फ्री फ्लोटिंग रहती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया द कप शेप्ड कैविटी फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द हेड ऑफ द फीमर इज कॉल्ड, तो हमें ये बताना है कि जो कप शेप्ड कैविटी होती है फीमर के लिए, नोट यहाँ पे ह्यूमरस के लिए नहीं पूछ रहे, फीमर के लिए पूछ रहे हैं, तो वो कौन सी कैविटी होती है, ग्लिनोइड कैविटी, एसिटाबुलम, ऑब्डक्टर, या फिर सिग्मोइड नोच। तो ये जो कैविटी होती है वो होती है आपकी एसिटाबुलम, ओके, जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो तो ह्यूमरस के लिए होती है पेक्टोरल ग्रेडल के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, हमसे पूछा गया था फाइंड द मिसमैच फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर, तो हमें मिसमैच बताना है यानी जो गलत है वो बताना है, जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब, जो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, थंब के बीच में यहाँ पे बोला गया कि ग्लाइडिंग जॉइंट बोला गया। सेकंड बोला गया जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल ग्रिडल बॉल एंड सेकंड बोन, ये बोला गया कि ह्यूमरस और पेक्टोरियल ग्रिडल के बीच में जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सेकंड होता है। सी में बोला गया हिंज जॉइंट होता है वो एल्बो के बीच में होता है, और डी बोला गया जॉइंट बिटवीन द एक्टल एटलस और एक्सिस को पाइवेट जॉइंट बोला गया। तो हमें गलत बताना है, एटलस और एक्सिस को पाइवेट जॉइंट ही बोलते हैं, हिंज जॉइंट जो एल्बोज के बीच में होती है बिल्कुल सही है, जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस और पेक्टल में बाल एंड सेकंड जॉइंट है बिल्कुल सही है, जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल जो सैडल जॉइंट है नॉट ए ग्लाइडिंग जॉइंट, तो ये गलत है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो हमें यहाँ पे टोटल 4 स्टेटमेंट दी गई है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट सार्कोमियर इज द लेंथ ऑफ द मसल बिटवीन द टू जेड लाइन, ऑल और नन प्रिंसिपल इज ऑल्सो कॉल्ड बाउडिच लॉ, थर्ड बोला गया ट्रोपोमायोसिन इज द मोनोमर यूनिट ऑफ मायोसिन, एंड फोर्थ बोला गया मायोसिन हेड बाइंड द साइट फॉर ट्रोपोनिन एंड एटीपी। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्कोमियर इज द लेंथ ऑफ द मसल बिटवीन टू जेड लाइन, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट बोला गया है। सेकेंड है ऑल और नन प्रिंसिपल इज ऑल्सो कॉल्ड बाउडिच, क्योंकि बाउडिच ने ही जो इसको बताया था, तो इसलिए ऑल एंड नन प्रिंसिपल को बाउडिच लॉ भी बोला जाता है। ट्रोपोमायोसिन इज द मोनोमर यूनिट ऑफ मायोसिन, वो ट्रोपोमायोसिन ही, मैरोमायोसिन इज द यूनिट, यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन नहीं है मैरोमायोसिन है। मायोसिन हैज बाइंडिंग साइट फॉर ट्रोपोनिन एंड एटीपी, ये तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी किया था, एक्टिन फिलामेंट एंड एटीपी, नोट है आपका ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन नहीं, एक्टिन और एटीपी के लिए जो है वो बाइंडिंग साइट होती है, नोट ऑफ फोर ट्रोपोनिन, तो ये भी गलत हो गया। तो थर्ड और फोर्थ जो वो गलत है, तो थर्ड और फोर्थ का हमारा आंसर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो हमें इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट हम व्हाइट मसल फाइबर डिपेंड ऑन एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड आर रिच इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी बोला गया कार्डियक मसल आर ब्रांच स्ट्रिप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, सी बोला गया ए न्यूरल सिग्नल एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कोज रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलाइन विच जनरेट एक्शन पोटेंशियल, एंड डी बोला गया सेवरल मोटर न्यूरोन सप्लाइंग ए सिंगल मसल फाइबर कंस्टिट्यूट ए मोटर यूनिट। तो मैं यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले सेवरल मोटर न्यूरोन्स सप्लाइंग ए सिंगल मसल फाइबर, ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारे मोटर न्यूरॉन होती है वो केवल सिंगल मसल्स पे फाइबर पे, नहीं, जो वो बहुत सारे मसल्स फाइबर पे ही जो है वो आपका बनाती है और वही कहलाता है मोटर यूनिट।
तो मोटर न्यूरॉन जो है वो एक जगह नहीं अप्लाई करता है, वो कई जो मसल्स फाइबर्स होती है वहाँ पर सप्लाई करता है, नॉट ए सिंगल। तो ये जो लिखा हुआ है ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर बनता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स के लिए कौन सा इनकरेक्ट लिखा गया, सिनसाइटियल, वॉलेंट्री, अनब्रांच या फिर डज नॉट गेट फैटिक। तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे लैक्टिक एसिड का जो वो एक्यूमुलेशन हो सकता है और वो फैटिक हो सकती है, तो डज नॉट फैटिक तो कहीं से कहीं तक सही नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स विच आर इम्परफेक्टली फॉर्म्ड एंड डू नॉट रीच द स्टर्नम आर कॉल्ड। तो 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स को क्या बोलते हैं, स्यूडो रिब्स बोलते हैं, फॉल्स रिब बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, फिर विसरल रिब्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया रीड द फॉलोइंग एंड मार्क द रॉन्ग वन अमोंग देम। तो हमें यहाँ पे गलत बताना है कि गलत कौन सी है। फर्स्ट, स्केलेटल मसल्स आर क्लासिफाइड एट रेड एंड व्हाइट मसल बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन देम। सेकेंड है रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स कैन कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। सी है बाइंडिंग ऑफ ए मायोसिन हेड विद एटीपी रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रेक्शन। एंड डी लिखा गया ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स द साइज ऑफ आई बैंड डिक्रीजेज व्हाइल दैट ऑफ द ए बैंड रिमेन द सेम। तो यहाँ पे आई बैंड जो होता है वो डिक्रीज होता है, ए बैंड जो होता है वो सेम ही रहता है। हमसे बताएं रॉन्ग कौन सी है, गलत कौन सी है। स्केलेटल मसल्स आर क्लासिफाइड एंड रेड एंड व्हाइट मसल्स बेट ऑन द अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन नॉट अ हीमोग्लोबिन। स्ट्रक्चर सेम होता है बट यहाँ पे नाम आया मायोग्लोबिन, ये अलग चीज होती है, हीमोग्लोबिन अलग हो गया, तो अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन आना चाहिए, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन लिखा, ये गलत लिखा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कार्डियक मसल्स। जो बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है वो बताना है कि कार्डियक मसल्स के लिए कौन सी करेक्ट लिखा गया। फर्स्ट, दे हैव इंटरकैलेटेड डिस्क। सेकंड, दे आर रिच इन गैप जंक्शन। थर्ड, दे शो ऑटोरिदमिसिटी या फिर डी ऑल ऑफ द करेक्ट। तो कार्डियक मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क भी होती है, गैप जंक्शन भी होते हैं और यहाँ पे ऑटोरिदमिसिटी होती है, तो ऑल आर करेक्ट, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया द टोटल नंबर ऑफ बोन इन अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल कितनी बोन आती है, 80 आती है, 126 आती है, 206 आती है या फिर 309 आती है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, आपके लिम्स आ जाते हैं, फोर लिम, हाइंड लिम और आपके पेक्टोरियल और पेल्विक ग्रेडल आ जाते हैं, तो उनमें टोटल जो बोन्स होती है वो होती है 126, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 129 है, मैच वन विद दोस कॉलम टू इंसर्ट द। तो हमें यहाँ पे ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब्स बताने की कौन कितनी कितनी होती है। सबसे पहले बात करें ट्रू रिब्स होती है वो 7 होती है, ओके। जो आपकी फॉल्स होती है वो होती है आपकी 3 और जो फ्लोटिंग होती है वो 11th एंड 12th 2 होती है। तो ए जो हमारा जा रहा है 3 के साथ में, ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन है। सेकंड, जो फॉल्स रिब है वो हमारी जा रही है 3 के साथ में, तो हमारे फर्स्ट के साथ में जा रहा है, तो हमारे पास ऐसा एक ही ऑप्शन है। और हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स होती है लास्ट की 2 पेयर होती है, हमारा आंसर बनता है ऑप्शन बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट 1-4 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे लिखा गया एक्टिन इज प्रेजेंट इन द थिन फिलामेंट। एच जोन ऑफ द स्ट्रिएटेड मसल फाइबर रिप्रेजेंट बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट। देयर आर 11 पेयर ऑफ रिब इन मेन एंड स्टर्नम इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। तो हमें यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और कौन सी गलत है। सबसे पहले हमें यह बताना है कि यहाँ पे ट्रू या फॉल्स बताना है कि फर्स्ट ट्रू है या फॉल्स है, कौन कौन सी फॉल्स है, कौन कौन सी। एक्टिन इज प्रेजेंट इन द थिन फिलामेंट, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये हमारी ट्रू है, तो हमारे ट्रू वाले दो ऑप्शन आते हैं। एच जोन ऑफ द स्ट्रिएटेड मसल फाइबर रिप्रेजेंट बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट, जी नहीं, एच जोन के अंदर केवल आपके थिक होते हैं, थिन फिलामेंट नहीं होते हैं एच जोन में, तो ये गलत लिखा हुआ है, ये आपका फॉल्स है, तो ये हमारे पास फॉल्स अभी भी चल रहा है। अभी हमारे पास सी और डी ऑप्शन है, क्योंकि जो ट्रू है फर्स्ट वाली है तो आपको ए और बी में दी भी नहीं गई है। देर आर 11 पेयर ऑफ रिब्स, जिन्हें 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है, साफ साफ बोल गए ये भी फॉल्स हो गई, तो हमारा जो आंसर बनता है वो तो सी आगे देख लेते हैं। स्टर्नम इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, ये भी बिल्कुल सही है, ये वेंट्रल साइड पे ही होता है, ये भी ट्रू लिखा हुआ है, तो हमारा जो सी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये सब कुछ था इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।